نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ये अल्लाह के मखलूक है खास मखलूक
ताला की तरफ से नाजिल होते हैं, मदद करते हैं बंदों की। उन्हीं में से हम लोग जो बातें सुन रहे हैं उसमें से एक आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं, वो कतअ रहमी करने के बावजूद सिला रहमी करना। यानी बहुत सारे लोग आगे बढ़कर लोगों का इस्तकबाल करते हैं, मिलने की बात करते हैं और मिलजुल के रहने की फिक्र करते हैं, मगर रिश्तेदार कुछ ऐसे होते हैं कि उनको मुंह फेर देते हैं, उनके ऊपर से गुजर जाते हैं, उनको कोई यानी देखभाली की बात नहीं करते, मिलनसारी की बात नहीं करते, मोहब्बत की बात नहीं करते। बहुत सारे भाई ऐसे भी रहते हैं हमारे, हमेशा उनके अपने बिजनेस में बिजी होकर भाई बाजू बैठा हो, हंसते मुस्कुराते खैरियत पूछने की तौफीक नहीं मिलती। हंसते मुस्कुराते बात करने से भी अल्लाह ताला सवाब दे रहा है, अजर दे रहा है, इससे हम महरूम हो जाए बड़ी बदनसीबी है मेरे भाई। हमारे अंदर ये चीजें आनी चाहिए जो बहुत अहम है। आज हमारा माहौल खुद हम मुसलमानों के हालात देखो कितने संगीन होते जा रहे, मुसलमान मुसलमान से बिगाड़, नफरतें, इन माहौल में मेरे और आपकी जिम्मेदारी जो है कि हम इसका ख्याल करें और जो खैर खैरियत कोनों में बढ़ चढ़ कर पूछते हैं किसी और से, कोई नया दोस्त बन गया तो उसके पीछे इतना लग जाते हैं। हमारे भाई हमारे बाजू बैठे हैं, उनके साथ इतनी हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, बढ़ चढ़ कर होनी चाहिए ना। ये देखो हमारी हालात कैसे हो गए, बिगड़ गए उसका उल्टा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं, या रसूल अल्लाह इन्न ली क़राबा असलुहुम वक़त्तउनी। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो रिश्तेदार हैं मैं चाहता हूं। देखो भाई, जुम्मा का खुतबा सुनते समय इधर उधर फोन वगैरह बंद रखो, सुनो गौर से सुनो, क्योंकि इबादत चल रही, जुम्मा का खुतबा होता है तो किसी को इशारतन भी बोलना मना है, इशारतन बैठो खैरियत क्या इशारा भी करना मना है। तो ये जुम्मा बहुत बड़ी अजीब इबादत है। तो मैं बता रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर एक सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो ऐसे हैं कि मैं उनसे मिलने की कोशिश करता हूं, असलू हूं, मैं चाहता हूं कि आगे बढ़कर मैं मिलने की कोशिश करता हूं, वो खत्म हो रही, वो मुझे तोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, मुझे दूर रखते हैं। وَأَحْسِنُهُمْ إِلَيْهِ، میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، بہترین سلوک کروں۔ يُسِيئُونَ عَلَيْهِ، وہ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ کہ وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ، اور میں ان کے ساتھ بردباری کرتا ہوں۔ حلم کہتے ہیں بردباری کو، حلیم، بردبار، میں بردباری پیش کرتا ہوں۔ وَيَجْهَلُونَ عَلَيْهِمْ، میرے ساتھ جہالت کا کام کرتے ہیں۔ अल्लाह के नबी मैं क्या करूं। देखो आज माहौल हमारे बोलने के लिए ऐसे हालात हमारे बन गए, हम सुला रहमी यानी सिला रहमी करने के बजाय हम उल्टा उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं। ये सहाबी जो मंजर पेश कर रहे हैं, खाका बता रहे हैं, मेरे और आपके हालात ऐसे ही बन गए आज मुसलमानों के हालात में बता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुम जो कुछ कह रहे हो अगर ऐसा ही है मामला तो तुम्हारे साथ एक फरिश्ता हमेशा तुम्हारी ताईद करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा रहता है। आप महसूस किए होंगे कभी कि कोई भाई जिसे हम ज्यादा चाहते हैं वो हमारे से नफरत पे उतर गए तो दिल सब्र करने पे उतर गया हमारा, तो मदद कैसी होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से बखूबी जानते हैं। यानी आप आगे बढ़ो, बस मदद यानी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हुए आप आगे बढ़ो, अल्लाह ताला की तरफ से इतनी सब्र, इतना सुकून आपके दिल में होगा इंशाअल्लाह। ये होता है, आप तजुर्बा करके देखो, तोड़ने वालों से तोड़ तोड़ कर रखते हैं हम लोगों को, जो हम जोड़ने के बजाय तोड़ने की जो फिक्र करते हैं, तोड़ने की जो प्लानिंग करते हैं, करें हम मिलने की सोचे। इस्लाम के ऊपर है, इस्लाम ये नहीं चाहता कभी भी के टुकड़े टुकड़े बन जाए। बढ़ते बढ़ते कितने खानों में बढ़ गए आज हमारी मिसाल मुसलमान है। एक कुरान है, एक इस्लाम, एक दीन, एक ही रब को मानने वाले, मगर ये नफरतें, ये बुग्ज़ और अदावतें सिर्फ इस वजह से कि कुरान और हदीस को हमने छोड़ दिए, भूल गए अल्लाह को, हम भूल गए अल्लाह के लिए काम करने को, हम भूल गए अल्लाह के लिए। जब काम करना है तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे खुदा खुद। तो मैं ये बता रहा हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको सुना रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो ऐसा ही तुम्हारा मामला है कि तुम रिश्तेदारों को जोड़ते हैं तो तुम्हारे को काटने का आरोप वो कर रहे हैं, तो याद रखो कि तुम्हारे ऊपर ज़हीरुन अलीम, मदद करने के लिए एक फरिश्ता हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हारे साथ मदद करता रहेगा।
कितनी बार हमारे से नहीं होता, हम दोस्तों से मिलने की बात करते हैं, दोस्त ऐसे काम करते हैं जो जब हमारे मालूम हो गया तो बड़ा तकलीफ होती, दुख होता है हमारे। मेरा भाई मेरे से ऐसा कर रहा है, ऐसा चाह रहा है मेरे साथ, मेरा भाई है मगर मेरा खिलाफ ये क्यों सोच रहा। ये फिक्र हमारे पैदा होने से पहले हम अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, अपने आप को इस इन सोचों को जरा दबाए, अल्लाह के लिए हम छोड़ दें उनको, अल्लाह के लिए भाई मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूं। रसूल की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के नबी का हमदर्दाना जो रवैया है, याद करो जरा क्या क्या वाकया है। चाची उनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब और उनकी चाची भी अल्लाह के नबी को बड़ी तकलीफें दी थी, घर से निकलते तो ऊपर से पीच गरम गरम पीच खौलता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर डालने की कोशिश करते, अल्लाह ताला बचा लेता था। ये रिश्तेदार है नबी के, अल्लाह के नबी उनके हक में कभी बद्दुआ नहीं दी अपनी जाती तकलीफ की वजह से। मेरे भाइयों आज हम जाती तकलीफ जरा हो गई तो हम सारों की दुश्मनियां बोल ले रहे हैं। ये हमारे खानदानों में जरा देखे, बड़ों को पूछे जरा क्या कुछ तुम्हारे साथ गुजरा है, ये जाती मामले नहीं तो क्या है, जाती मामलों के ऊपर इतना दुश्मन, इतनी दुश्मनी दिखाना, मेरे भाई ये सही नहीं। मेरा और आपका दीन ये बताता है कि दुश्मनी जहां दिखाई जाती है, तोड़ने वाली जहां बात होती है, आप मिलने की जबान उठाओ, मिलने की बात करो, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे आपकी मदद करता है इंशाअल्लाह। ये पहला अमल है। हम लोग जो सुन रहे हैं कि फरिश्ते वहां हाजिर होते हैं, फरिश्ते आपकी तारीफ करते हैं, आपकी नुसरत के लिए उतरते हैं, आपके दिल का बोझ हल्का करते हैं। अगर आप गुस्से में आ गए, वो भी गुस्से में है और आप भी गुस्से में ही, दोनों कांटों से मामला नहीं चलेगा, एक तरफ नरम होना पड़ता है, एक तरफ झुकाना पड़ता है, दिल नरम करना पड़ता है, तभी मामला सुलझेगा। दोनों लड़ते रहे, दोनों झगड़ते रहे तो मामला बिगड़ जाता है। इसीलिए कि नरमी अख्तियार करना ये इस्लाम की पॉलिसी है, नरमी को अपनाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन नरम है, इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह बड़ा नरम मिजाज वाला है, बड़ी नरमी करता है अल्लाह का। आप गुनाह भी करो अल्लाह ताला आपको खाना दाना दे रहा, कितने ऐसे बादशाह हैं उनके सामने जरी गुस्ताखी हुई तो क्या करता बादशाह। ये बादशाहों का बादशाह है मेरे भाई अल्लाह ताला, जिसके घर में हम बैठे हैं, जरा सहमकर सुनो, जरा सोचो गौर करो कितने गुनाह हमसे नहीं होते, और दुनिया में देखो कितने लोग मुशरिक हैं, शिर्क करते हैं, अल्लाह को अल्लाह नहीं बोलते, अल्लाह के साथ ये बावत करा रहे, ये कह रहे गोया कि अल्लाह कमजोर है, हम किसी के जरिए से सुना रहे, अल्लाह तो कमजोर है कि हम किसी के जरिए से तेरे कान तक हमारी बात सुना रहे, नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह की पनाह इन बातों से, कैसी घटिया सोच है मेरे भाई। कितने लोग हैं शिर्क करने वाले, कितने लोग ऐसे हैं अल्लाह को गालियां देने पर आ जाते हैं, अल्लाह ताला के साथ दुर्भाग कहते हैं, अल्लाह बिल्लाह अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह सद फीसद अल्लाह की पनाह वाली। मेरे भाइयों ये सब होने के बावजूद अल्लाह रिजल्ट दे रहा है, खिला रहा पिला रहा हम लोगों को, मोहलत दे रहा, बड़ी बात है मोहलत दे रहा, अब समझेगा। ये पहली बात है मेरे और आपके लिए कि अल्लाह बड़ा नरम वाला है, नरमी को बड़ा पसंद करता है अल्लाह ताला। दूसरी बात जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजता है मदद के लिए, वो है मरीज की इआदत करना, बीमार कुर्सी करना, तैमारदारी करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मिन मुस्लिमिन यरुदु मुस्लिमन इल्ला बताअ अल्लाह 70,000 मलिक। अल्लाह अकबर, आंख खुल जाएंगे मेरे भाई। अब तक हम लोग सुन रहे, कोई एक अमल करे, बच्चे सब सामने आओ, टेका लेके दावत में बैठे जैसे बैठ गए, सामने आओ सुने ना सब। तो अब तक हम सुन रहे थे कोई भी अमल, जैसे हम मस्जिद में बैठे तो कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं कि दूर दूर के फरिश्तों को बुला लेते हैं, गिनती नहीं है, गिनती बताई जाती नहीं है हदीसों में, अक्सर हदीसों में, और गिनती आती भी है तो इस वास्ते आती है कि इसमें मुबालगा है बहुत ज्यादा, हम शुमार नहीं कर सकते, बातें नहीं करना, हम शुमार नहीं कर सकते, इतने फरिश्ते अल्लाह ऊपर, फरिश्ते सरों के ऊपर आ जाते हैं, क्या करते हैं फरिश्ते सरों के ऊपर आ जाते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह इसको माफ कर, अल्लाह इसके ऊपर रहमत नाजिल कर दे, इसके दिल को सुकून कर दे, दिल के अंदर सकीनत नाजिल कर दे, और फरिश्ते दुआएं करते हैं। मुस्तफा अहमद की हदीस में अर्श तक फरिश्तों का यह सिलसिला चला रहता है और फरिश्ते अल्लाह से गिड़गिड़ाते हैं। जहां अल्लाह के दीन की बातें होती है वहां बातें नहीं करना, बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूं बातें नहीं करना, खामोश बैठना। तो हम गौर से सुने क्या ये जो बातें कही जा रही दीन की बातें, तो ऐसे बहुत सारे जगहों
और फरिश्ते दुआ करते हैं, गिनती नहीं बताई जाती। इस हदीस में देखो, अभी मैं आपके सामने पढ़ा कि सही मुस्लिम की हदीस है, कोई मुसलमान किसी मुसलमान की तैमारदारी करता है, सत्तर हजार फरिश्ते उसके साथ आ जाते हैं। किसके साथ? तैमारदारी करने वाले के साथ। बीमार कुर्सी, कोई बीमार है हमारा भाई, तो हमें फिक्र हुई, चलो भाई देख के आएंगे, क्या तो है तो मदद करेंगे, कम से कम दुआ देंगे, कम से कम दुआ। दुआ नहीं भी आती तो डरना भाई, बोल पाएंगे क्या मेरे भाई हो? बीमार कोई है नहीं, ये तो बात, कम से कम मुसलमान है हमारा, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का सबसे बड़ा हक ये भी है, जो हुकूक अल्लाह ने भी बयान किए उसमें बड़ा हक चाहिए। कोई बीमार है तो उसकी इयादत के लिए जाना है, यहाँ चुपके नहीं, अल्लाह अकबर आप जा रहे हैं, कदम उठा रहे हैं आप, दिल में इरादा करेंगे मैं जाऊंगा, अब नहीं भी गए तो अल्लाह सवाब देता है, इतना प्यारा है मेरा और आपका। अब जब चले गए आप, निकल गए, उठ के खड़े हो गए, आपके साथ आपको नजर नहीं आते, आपके आंख कमजोर है उन फरिश्तों को देखने के लिए, एक नहीं दो नहीं सत्तर हजार फरिश्ते, अल्लाह सत्तर हजार फरिश्ते उनके साथ चलते हैं। मुस्तद अहमद की हदीस में आता है, ये सही मुस्लिम की हदीस है, सत्तर हजार फरिश्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके लिए, युसल्लून अलैहि, दुआएं करते हैं उसके बारे में, उसके हक में दुआ करते हैं। मजीद तफसीर के साथ मुस्तद अहमद की हदीस में कि जब से वो उठा है, जब से वो उठकर गया है अपने बीमार भाई को देखने के लिए, वापस लौटने तक, घर आकर बैठने तक, फिर ये फरिश्ते उसके हक में दुआएं करते ही रहते हैं। कोई भाई हमारे दुआ दिया तो क्या होता, दिल खुश हो जाता, वाह बहुत अच्छा दिए तुमने दुआ, होता नहीं एक बार। ये तो हम लोग मखलूक है, ये तो इंसान है, फरिश्ते मेरे भाई हो, फरिश्ते पिछली बार मैं बताया था, फरिश्ते अल्लाह के फरिश्ते वो काम करते हैं जो अल्लाह हुक्म देता है हमको, गोया अल्लाह का ये हुक्म है कि सत्तर हजार फरिश्ते, ये गिनती भी इसलिए बताई जाती है कि उसमें और भी ज्यादा हो सकते हैं, अंदाजा करो आप, सत्तर हजार फरिश्तों की दुआएं अगर आपके हक में आ जाए तो कितनी खुशनसीबी की बात है, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। और मैं आगे बताऊं कि ये जो हदीस है, ये जो बात है, बीमार कुर्सी करना, किसी मुसलमान भाई की इयादत करना, बीमार है तो देखने जाना, क्या बोलने के लिए, कम से कम डरना भाई, क्या मेरे भाई हो, कम से कम ये जुमला, दुआ दे बहुत बड़ी बात है, मदद करें और बड़ी बात है, नूर नारा नूर है आपके लिए, बहुत बेहतरीन काम है ये, बीमार कुर्सी की इयादत करना। अल्लाह ताला के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल कयामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा, ऐ बंदे इन अल्लाह अज़ व जल्ला यौम अल कयामत यकूल मरिज़्तु फलम तरुदनी, ऐ बंदे मैं बीमार था, कौन बोल रहा है, रब्बे ज़ुल जलाल बोल रहा है, अल्लाह करीम बोल रहा है कि बंदे मैं बीमार था, तू मेरी इयादत करने के लिए नहीं आया। अल्लाह अकबर, बंदा हैरान परेशान, अल्लाह कैफा तअउदु कैफा अउदुनी कौ कैफा अउदुहु अउदुका, अल्लाह मैं तेरी इयादत कैसे कर सकता हूं, वा अंत रब्बुल आलमीन, जबकि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तू पूरे जहानों का रब है, मैं कैसे तेरी इयादत कर सकता हूं। अल्लाह ताला कहता है इन्ना अब्दी फुलान मरिदा फलम तअउदु फलम तअउदुहु, तूने मेरे बंदे जो बीमार था, मेरा बंदा दुनिया के अंदर, उसकी इयादत तूने नहीं किया, लम तअउदुहु वजदतनी, अगर तू उसकी इबादत करता तो मुझे वहां पाता था। मतलब इसका यह है कि मेरी खुशी तू पाता, मेरी रजामंदी तू पाता, मेरा इल्म वहां है। मतलब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला हशर के मैदान में कयामत के दिन हौलनाकियां और खतरनाक का मंजर होगा, ऐसे माहौल में अल्लाह ताला एक बंदे से पूछे तो क्या हाल बनेगा। आज मेरे भाई को अगर गरीबत ना समझे, हम अपने भाइयों की इयादत करने को हल्का समझे तो अल्लाह खबरदार रही है कि ये बहुत बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है अल्लाह ऊपर। सहाबा से अल्लाह के नबी एक मर्तबा कहते हैं, ऐ सहाबा तुम में से कौन है जो अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ आज? अबू बकर सिद्दीक हाथ उठाते हैं, अल्लाह के नबी माए। फिर पूछते हैं, ऐ सहाबा तुम में से कौन है जो रोजा रखा है आज? अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह के नबी माए। फिर पूछते हैं अल्लाह के नबी कौन है जो आज किसी का बोझ हल्का किया हो? अबू बकर भी हाथ उठाते हैं, मैं। सुभान अल्लाह। फिर पूछते हैं, ये जो मेरे और आपका टॉपिक अभी जो मैं बात बता रहा हूं, कौन है जो बीमार कुर्सी किया है, किसी बीमार के लिए देखने के लिए गया है? सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर हाथ उठाते हैं, सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हाथ उठाते हैं कि अल्लाह के नबी मैं।
अल्लाह के नबी कहते हैं ये चार आमाल बल्कि ऐसे आमाल ये जो भी एक दिन में अंजाम देता है जो आदमी इसको करता है चार बातें इसमें से बीमार कुर्सी भी एक काम है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उस बंदे के लिए अल्लाह ताला जन्नत के आठों दरवाजे खोल देता है, आठ के आठ दरवाजे अल्लाह ताला उसके लिए खोल देता है चाहे मर्जी जिस दरवाजे से जाना चाहे। अल्लाह अकबर मेरे भाई, आज हमारे भाया बीमार है तो पूछना तक दूर की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे होते हैं, देखते हैं, पलट के बैठ जाते हैं अल्लाह के लिए, जायजा लेते हैं कौन कौन नमाज पढ़ा है, जायजा लेते हैं। अगर हम उस तरह जायजा लेने पर आए तो दिना बसराते मेरे भाई, अल्लाह होता दिना बसराते कितने लोगों के घर जाना पड़ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जायजा लेते थे नमाजों में, कौन आया नहीं कौन आया देखते थे, जो नहीं आया वो उठ के सहाबा को लेके जाते, क्या हुआ भाई कहीं कोई नहीं नमाज को, क्या तो तकलीफ है, क्या बीमार है, क्या बीमार है तो बीमार पूरी वहीं पर हो जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते उसी वक्त। ये हाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। मेरे भाइयों आज मेरे और आपकी नमाजों की क्या हालत है हम गौर करें जरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार कुर्सी करने के लिए इतना उभारते थे सहाबा को अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाजें ये मस्जिदें ये मामूली जगह नहीं है मेरे भाइयों, मैं बार बार कह रहा हूं और अब भी कहता हूं कि ये जो दीन के जो अड्डे है उसकी हिफाजत अगर तुम ना करोगे तो ये जो हालात बिगड़े हैं और बिगड़ते जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आखिरी बात बता दें इंशाअल्लाह मैं आगे बढ़ूंगा। तीसरी बात आखिरी बात इंशाअल्लाह जुम्मा में ये है कि सही मुस्लिम की हदीस के हवाले से मैं बता रहा हूं कि जो नेमतें तुझे मिले हैं हमें मिलेगी उसकी कदर करें, उसकी कदर करने पर फरिश्तों का नुज़ूल होगा। नेमतों की कदरदानी लैन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलैन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद जो आयत है सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं देखो तुम जितना शुक्र अदा करोगे उतना मैं और मजीद ज्यादा दूंगा, अगर तुम शुक्र बजा लाओ तो मजीद मैं देता रहूंगा तुम्हार को, और तुम नाशुक्रे बनोगे तो तुम्हारे ऊपर मैं सख्त अजाब नाजिल करूंगा, मैं दर्दनाक अजाब देने वाला हूं अगर तुम नाशुक्रे बनोगे। मेरे भाई ये बात आप गौर से सुनने की जरूरत है, मैं और आप हर एक इसके ऊपर फिक्र करने की जरूरत है। देखो नेमतों की कदरदान, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रावी हदीस है, एक लंबा वाकिया तवील हदीस है, इंशाअल्लाह आपके सामने खुलासा पेश करता हूं, गौर से सुनना मेरे भाई, सुनेंगे सबक हासिल करने की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बनी इसराइल में या पिछले दौर में एक फरिश्ता एक तीन आदमियों के पास आता है, एक आदमी कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है जिसके चमड़ा सफेद दाग है उसके ऊपर, लोग देखते हैं चिड़चिड़ाते हैं मजाक करते हैं उसके साथ, उसे बड़ी तकलीफ होती है ऐसा बंदा, और एक है गंजा सर के ऊपर एक भी बाल नहीं, बेचारे को जब भी देखते हैं लोग देखते हैं तो शर्म आती है, और एक आदमी अंधा नाबीना है। फरिश्ता आता है तीनों के पास, पहले कोढ़ की बीमारी के पास आता है पूछता है तेरी क्या तकलीफ है, तो पूरी तकलीफ खोलता है, देखो मुझे बड़ी तकलीफ और दर्द होता है, तो फरिश्ता अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह इसकी बीमारी को दूर कर दे, हाथ फेरता है तो ठीक ठाक हो जाता है, अल्लाह के इजाजत से वो शिफा मिल जाती है उसको। फिर पूछता है चलो तुम्हारे कौन सी दौलत चाहिए, वो कहता है मुझे ऊंट चाहिए। इसहाक बिन अब्दुल्लाह होते रावी है इस हदीस में, वो कहते हैं पहले ये लोग गाय पूछे या ऊंट पूछे मुझे कंफ्यूज है, उनका चलिए ऊंट से इब्तदाई ऊंट से चलते हैं, यानी ऊंट वो मांगा, मुझे ऊंट जानवर बहुत पसंद है, तो वो फरिश्ता कहता है अल्लाह से अल्लाह इसको ऊंट जो है अल्लाह ताला की तरफ से उसको ऊंट अल्लाह ताला अता करता है। फरिश्ता वहां ऊंट एक 10 माह हमल से रहने वाली ऊंटनी उसको अता की जाती है और दुआ देता है चलो अल्लाह तुम्हारा बरकत दे, वहां से निकल जाता है। गंजे के पास जिसके सर के ऊपर एक भी बाल नहीं, लोग देखते हैं तो उसे शर्म आती है, उसे तकलीफ होती है माशरे में, तो उससे भी सेम पूछता है तो वो भी कहता है मेरे सर के ऊपर बाल आ जाए बस मेरे मुझे काफी है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है देखकर। तो वो अल्लाह से दुआ मांगता है अल्लाह की इजाजत से अल्लाह की इज्जत से उसके भी बाल यानी ठीक ठाक हो जाते हैं, बड़ा हशाश बशाश हो जाता है। फिर उसे पूछता है क्या दौलत चाहिए, वो पूछता है गाय, उसको भी हमल वाली गाय अल्लाह ताला अता करते हैं और दुआ देता है फरिश्ता चलो अल्लाह तुम्हारा बरकत दे। अंधे के पास तीसरे आदमी से भी यही सवाल जवाब, उसको भी अल्लाह ताला की तरफ से आंख यानी बिनाई आ जाती है, आंख अच्छे हो जाती है, मैं दुनिया को देखना चाहता हूं, तो वो कहता है फरिश्ता दुआ देता है अल्लाह ताला उसको बिनाई दे देता है। फिर दौलत पूछता है तो वो बकरी पसंद करता है। उसके बाद एक मुद्दत गुजरने के बाद वही फरिश्ता फेस बदलकर इंसानी शक्ल में आकर कहता है जो पहले आदमी कोढ़ की बीमारी वाले का आदमी उसके पास आकर कहता है भाई मैं मुसाफिर हूं मुझे रास्ते में एक ऊंट चाहिए, आप एक ऊंट, अब देखो
दुआ दी थी ने तीनों को भी दुआ की बदौलत एक एक वादी बन गई है जानवरों की, उनके पास दौलत की इतनी भरमार है कि वादियां बन गई है। हदीस में आता है जंगल बन गए, जंगल अब अंदाजा नहीं लगा सकते हम जंगल कितने कितने बड़े होते हैं, कितना बड़े बहुत बड़ी दौलत हो गई है। तो फरिश्ता आगे पूछता है एक ऊंटनी दो, वादी भरकर ऊंटनियां हैं, एक ऊंटनी देने में क्या जाता। वो कहता है नहीं नहीं मुझे बहुत काम है, मुझे ऊंटनियों से मैं नहीं दे, मैं दे सकता है। वो याद दिलाता है देखो तुम गोल्ड की बीमारी में मुब्तला थे मुझे मालूम है, वही फरिश्ता ना, इसलिए वो याद दिलाता है ताकि उस बात को याद करो तुम्हें कुछ एहसास होगा। इस वास्ते याद दिलाते दिलाने के बावजूद भी वो कहता है नहीं ना ये दौलत तो मेरे बाप दादा कमा के गए थे, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उनके हुकूक अदा करूं, झूठ बोल देता है। अब वो ये फरिश्ता जाने से पहले कहता है अगर तुम वाकई झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे पुरानी हालत में लौटा दे, ये कहकर चला जाता। दूसरा आदमी जो गंजा था उसके पास की सेम मामला सेम बातें होती, वो भी ठुकरा देता है मैं दौलत बाप दादा से कमाया, नेमत जो अल्लाह ताला दिया है तो इस नेमत का ठुकराओ और इस नेमत की नाशुकरी करते हुए वो भी झूठ बोला, तो उसको भी फरिश्ता यही बातें अगर तुम बाकी ये झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी पुरानी हालत में लौटा दे। अब अंधे के पास तीसरे के पास जब आता है तो वो फौरन कहता है हाँ ये जो दौलत है बाकी मुझे अल्लाह ताला ने अता किया, आप जितने चाहते ही ले जाए, जितने चाहते ही ले जाए, अल्लाह अकबर दिया अल्लाह ताला, मैं एहसास करता हूं इस बात का, मुझे कदर है अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह ने दी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला मुझे आंख देना था अल्लाह आंख दे दिया, उससे बड़ी नेमत मेरे पास क्या होनी चाहिए, यानी क्या है उससे बड़ी दौलत मुझे क्या होना। और ये कहते हुए उस आदमी से यानी फरिश्ते से कहता है अंधा कि जाओ अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला मुझे जो दे दिया है नेमत ये बहुत बड़ी नेमत है, ये जो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो बकरियां हैं वो सारे के सारे भी ले जाओ मुझे कोई परवाह नहीं, ये कदरदानी की बात है। देखो आप गौर करो अल्लाह ताला मुझे और आपको सेहत से रखा है, गनीमत दिया है, ये जो नेमतें अल्लाह की वही तू नेमत अल्लाह जिला तुसुआ तुम गिनना भी चाहो तो गिन सकते नहीं। ये आराम से हम लोग मस्जिद में बैठकर इस तरह इबादत कर रहे हैं, कई कई ऐसे घराने हैं जिनको तौफीक नहीं मिलती, जिनको चलने की तौफीक नहीं, जिनको सुनने की तौफीक नहीं, जिनको देखने की तौफीक नहीं, इतनी सारी जो खाके इतने सारे तस्वीरें हमारे सामने हम जानते हैं सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद हमें नेमतों की कदर ना करना ये कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है मेरे भाई, गौर करने की बात है। ये मस्जिद दीन का घर, ये दीन का अड्डा है, अल्लाह का घर है, इसको गनीमत जाने, आए वक्त निकाले, ये वक्त अपने ही निकाले तो अल्लाह ताला इसका बदल जहन्नम में तुम्हें खींचता हुआ यानी अल्लाह ताला जहन्नम में उल्टा पाओ यानी उल्टा मुंह खींचता हुआ जहन्नम में फेंकेगा और कहेगा जो दुनिया में तुम करते थे उसी का बदला है ये, यानी गनीमत नहीं समझे शुक्रगुजारी ना करे तो उसका बदला अल्लाह ताला बहुत बुरा देगा अल्लाह ताला। मेरे भाइयों इसीलिए गनीमत जाने, नेमतों की कदर दान करें, नेमतों की कदर करें, अल्लाह जो नेमतें दिया है हम शुमार नहीं कर सकते, इतनी नेमतें हैं अल्लाह ताला की, इन तमाम नेमतों का बदला भी चुका सकोगे ये सोचो, जरा बदला चुका नहीं सकते मेरे भाइयों दुनिया में, हम इबादत की तरफ तो आए जरा अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, जरा हम अपनी जबान को बिजी करें अल्लाह के लिए, वरना ये दुनिया के अंदर दुनिया के धोखों में दुनिया की खुशियों में दुनिया के लज्जतों में पड़ जाओगे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, दुनिया भी गालिब और आखिरत भी बर्बाद, कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे भाई, समझो दुनिया की हकीकत को, गनीमत जानो, ये कदरदानी बहुत बड़ी नेमत है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह मजीद नेमतें दे रहा है, इसको छोड़कर हम नाशुकरी पर तले हुए हैं, नाशुकरी पर उतर आए हैं, ये बड़ी बदनसीबी की बात है मेरे भाई। आखिरी बात एक बार बताकर अपनी बात खत्म करूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी मामूल है अल्लाह के नबी का कि जुमा में हालात हाजरा को सामने रखकर बयान देते थे, और मैं ये बात आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, ये सारी बातें मेरा और आपके लिए जरूरी है करने के आमाल है, हमें करना चाहिए इन आमलों को, ऐसे बेशुमार है, मैं इससे पहले चार जुमों में मैं यही बातें कहता आ रहा हूँ, कितनी प्यारी बातें हैं मेरे भाई, करने के आमाल है, हमें करना चाहिए, कितने पीछे हो गए इन आमलों में मेरे भाई, गनीमत जाने, जो भी बातें सुनी उसके ऊपर अमल करने की फिक्र करें। और एक आखिरी बात ये कि आज जो माहौल हमारे ऊपर यानी सख्त बन गया है, आज जो ऐलान हुआ है, ये दुश्मन जो भी साजिशें चल रहा है या हुकूमत जो भी कर रही है, कुछ भी चले मेरे भाइयों, हम अपने अमलों के ऊपर जायजा लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में कहते हैं आमालुकुम व उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल जैसे कुछ हैं वही है तुम्हारे लीडर, तुम्हारे लीडर चुके नहीं बन रहे, तुम्हारे ऊपर हुक्मरान चुके नहीं बनते,
तुम्हारे अमल जो है वो नतीजा रिजल्ट ये लीडर है। अल्लाह के नबी की हदीस है, बईद एंड बईद नहीं कि फिरौन जैसा जमाना आ जाए तुम्हारे ऊपर। आज जो भी कंपनियां, जो भी एयरपोर्ट, जो भी ट्रेन से सब ये सब जो बिक रहे हैं, बल्कि ये सारी चीजें किसी और के अंदर चले जा रही हैं, ये सारी चीजें कहीं कहीं ऐसा भी ना हो कि तुम भी बिक जाओ। बनी इसराइल को जैसा फिरौन सताता था, बनी इसराइल को फिरौन जैसा तंग करता था, पूरी जानवरों जैसी मेहनत करवाता और उनको रोजी रोटी के लिए जैसा जेलों में उससे भी बदतर खाना उनको देता था फिरौन, सजाएं तकलीफें, ऐसी हालत हम अपने हाथों से कर रहे हैं, इस बात को जरा जायजा ले। हम मस्जिद में एक मिसाल मैं दूंगा, मस्जिद के अंदर मैं काम करता हूं, मस्जिद की मिसाल, आप जितने 50 हैं 60 हैं रोजाना देखो घर मस्जिद में आते हैं आप, मस्जिद का हक ये है कि आप उसका भी देखभाल करें, मस्जिद की साफ सफाई का भी ख्याल करें, मस्जिद में नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इसका बदल जन्नत जैसी हमेशा हमेशा नियामतों वाला घर देगा। इसमें सुभान अल्लाह जरा थोड़ा बहुत मेरे और आपके जेब से फी सबीलिल्लाह जाए। एक मिसाल मैं बताता हूँ, ये सारे कामों के लिए मैं सिर्फ मस्जिद के हद तक नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप एक 60 जने 50 जने ही रोजाना 10 रुपये अगर इस पे खर्च करते हैं, रोजाना 10 रुपये देने में क्या भी बड़ी बात है मेरे भाई। बहुत सारे लोग देखो कि ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम रोजाना अगर आपके जेब से 10 रुपये मस्जिद के लिए, दीन के अड्डे के लिए, दीन के अंदर और काम मजीद हो, आप देखते हैं कई कई प्रोग्राम होते हैं आपके फायदे के लिए, बयाना होते हैं वो अपनी जाती बात लेके नहीं आते, घर के मसले तुम्हारे को सुना को तुम्हारे से कहते भी मदद करो ऐसा नहीं जाते वो। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर जो भी काम होता है आपकी भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए, और खाने के इंतजामात होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों के लिए ना, हम लोगों की भलाई के लिए, मुआशरे के सुधार के लिए, गली के अंदर और गांव के अंदर एक सुधार आए, लोग एक पर्टिकुलर से चले, लोग एक तरतीब से चले, मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ आ रहा है, जो औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, खुद हमारे मर्द हजरात की भी जो इतनी गिरी हुई हालत है, इन तमाम हालातों को सुधारने के लिए जो फिक्र उम्मत मुस्लिमा करती है सबसे पहली जगह वो मस्जिद ही है, मस्जिद ही के जरिए से होती है। तो अब हक बनता है कम से कम रोजाना, अभी मैं मिसाल देता हूं, मिसाल के जरिए से रोजाना 1-10 रुपये, 10 दिन के अंदर आप 1 के 100 रुपये हो गए, 50 लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये हो गए, तो 50 आदमियों के 10 दिन के 5000 हो गए, 5000 रुपये 10 दिन के, 1 महीने के 15000 रुपये। सुभान अल्लाह, सोचो जरा इन्हीं पैसों के जरिए से मस्जिद के अंदर काम चलते हुए, मस्जिद के अंदर जो भी काम होता है उसको तरक्की देने के लिए, आपके बच्चे पढ़ते हैं मस्जिद में, नहीं पढ़ते हैं तो भेजो, नहीं भेजते तो बड़ी जहालत में आप, मस्जिद को भेजो, मस्जिद में जो पढ़ाए जाते हैं दीन, काल अल्लाह काल रसूल, अल्लाह की तरफ आओ, रसूल की बात सुनो, ये बातें अगर नहीं सुनोगे आप तो ये दुनिया, ये कायनात, ये जन्नत जहन्नम ये सब अल्लाह के हैं, आपको सजा देने के लिए अल्लाह ताला के लिए कुछ भी वजन नहीं है मेरे भाई। अल्लाह की लाठी में देर है मगर अंधेर नहीं। अगर हम अब भी नहीं समझेंगे, अब भी नहीं सुनेंगे, तो अभी मैं बताया तिर्मिज़ी की हदीस में आमालुकुम व उम्मालुकुम, ये लीडरान जो भी है, ये फिरौन जैसे जुल्म करने वाले जो लोग आ जाएंगे, बाहर नहीं दूर नहीं, आपके गले पे छुरी रखेंगे, ऐसी हालत भी आ सकती है। उससे पहले पहले हम अपने अंदर जायजा लेते हुए अपने अपने कामों में इखलास पैदा करने की फिक्र करें, ऐसे यानी मुनज्जम अंदाज से काम करें। मैं मस्जिद की मिसाल दिया, आप अपने घरों में भी सोचें, अपने घरों में भी सोचें, पैसों की बात नहीं, टाइम की बात है, बच्चे को 1 घंटा टाइम दो, आप बच्चे को बिठाओ और पूछो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, 1 घंटा टाइम दो बच्चों को, सुधरेगा नहीं, रोजाना 1 घंटा टाइम दो, 1 घंटा आओ, 10 घंटे तुम घर बाहर, घर के बाहर जो भी काम करते हैं करो, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो काम, जो टाइम तुम्हारे पास है, 1 घंटा बीवी से अच्छा बात करो, 1 घंटा बच्चे के साथ अच्छा सलूक करो, फिर देखो नतीजा क्या आ सकता है। और पूरे 10 घंटे मैं मिसाल बोल रहा हूं, हकीकत ये नहीं होती, हकीकत कुछ और है, कुछ और है हकीकत, 10 बजे सुबह होती है, मैं अल्लाह कमजोरी हम बोल रहे मेरे भाई है, कमजोरी हम बोल रहे, 8 बजे सुबह होती है, ये धूप की जो शुआएं हैं सुबह की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठ जाते फजर नमाज के बाद, इशराक की नमाज पढ़े बगैर घर में नहीं जाते थे, इशराक तक बैठना, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सरफ में कई लोग नाश्ता बनते थे, ये मेरा नाश्ता है मैं छोड़ दिया तो मुझे भूख लगेगी, नाश्ता नहीं करने से जो तकलीफ होती है वो इशराक न पढ़ने पर उनको तकलीफ होती थी, आज हमारी हालत नहीं सोए तो तकलीफ होती है, रात में क्यों 12 बजे सोना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि ईशा के बाद ज्यादा जगो नहीं, सो जाओ जल्द से जल्द, सोने में ताकत है तुम्हारी, सोने में तुम्हारी सेहत है, आज डॉक्टर में पुकार पुकार के बोलते नींद आती नहीं,
खाना अच्छा खाते नहीं, पूछ ले मेरे भाई, कई डॉक्टरों के पास पैसे डालना है। ये मेडिकलों में भी जो दवाएं मिलते हैं, ये जो 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 टैबलेट्स मिलते हैं, ये क्या कम हो रहा है? बढ़ रहा नहीं कम हो रहा? बोलो मेरे भाई, और बढ़ रही बीमारियां अस्पताल के, इतने सारे अस्पताल बन गए हैं, कई बीमारियां कम नहीं हो रही और बढ़ते जा रहे हैं। ये कॉम्पिटिशन से, ये बिजनेस से, मेरे भाई मैं बुरा भरा नहीं बोल रहा हूँ किसी का, बुरा बुरा मैं बंदा बोलता हूँ, मैं अल्लाह के घर में अल्लाह के डर से मैं बात कर रहा हूँ। आप अपने एहतियात में क्यों नहीं रहते? मैं मेरी एहतियात में क्यों ना रहूं? मेरे पास इतना ट्रीटमेंट, कुरान की शक्ल में ट्रीटमेंट है, ये इलाज है, ये खोल के देखने की तौफीक क्यों नहीं मिल रही मेरे भाई? जरा सोचे मेरे भाई, गौर करो जरा। मैं हालात को सामने रखकर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये हालात बिगड़ने का सबब मैं और आप नहीं? हम घर में बच्चों की तरबियत के लिए क्या वक्त दे रहे? उठाओ मेरे भाई, कितने लोग हाथ यानी बच्चों की तरबियत के लिए कुछ ना कुछ वक्त देते हो। मैं जानता हूं कौन कौन, यानी देखता हूं आप लोगों को बखूबी। मैं छोटा भाई हूं मेरे भाई, आप लोगों का दिल के दर्द के साथ बोल रहा हूं। तरबियत के लिए जरा टाइम निकालो अपने बच्चों के लिए, जरा सोचो क्या सीखा क्या नहीं सीखा। ये बिगाड़ बच्चों, जो दोस्ती बिगड़ते हैं ना दोस्तों में, ये जाकर क्यों बिगड़ते हैं? ये कभी पूछे तक नहीं, हम लोग कभी तौफीक नहीं मिलती मेरे भाई, क्यों है मेरे भाई? हमें सोचना चाहिए इन बातों के ऊपर, गौर करना चाहिए। देखो मैं ये सब भी आपसे रिक्वेस्ट ही करता हूँ, दरखास्त ही करता हूँ, और अल्लाह के घर में है हम लोग, अल्लाह के लिए मस्जिद के लिए टाइम निकालें, निकालना नहीं ये जरूरी देना, ये हक है हमारा। बहरहाल ये कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँ, मुनासिब समझा। हम लोग जो हालात से गुजर रहे बखूबी देखते हैं न्यूज के जरिए से, फोन मोबाइल में बहुत सारी खबरें हमारे को मालूम होती रहती है। हमें होशियार होनी चाहिए, आगाह होनी चाहिए, अपडेट हम होना नहीं। फोन को कितनी बार हम अपडेट करते हैं, जिंदगी में क्यों अपडेट नहीं लाते? जिंदगी में अपडेट लाए मेरे भाई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को सवार देगा। अल्लाह से मैं दुआ करूंगा आखिर में, अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो भी हम सुनते हैं कुरान और हदीस की बातें, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमल ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको इत्तेहाद की तौफीक नसीब फरमाए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे, मोहब्बत आपस में एक दूसरे से करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब लोगों को, हम तेरे घर में बैठे अल्लाह तुझसे दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हम तेरे घरों के अंदर पाबंदी से नमाज पढ़ने की, हमारे तेरे घरों से दिल लगाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। हशर के मैदान में जो साहिब अल्लाह को नसीब करने वाला है उनमें हमें भी शुमार अता फरमा। अल्लाह हम सब लोगों को हकीकी मोमिनों में शुमार अता फरमा। जब मौत के बाद की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। जन्नत में हम सबको दाखिला अता फरमा। हमारे बुजुर्गों को जो भी जिंदा है सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जो वफात पाए हैं ईमान की हालत में सबको अल्लाह उनकी मगफिरत अता फरमा। आज भी एक बड़े आलिम दीन फजलुर रहमान बदरी इंतकाल कर गए हैं आज हमारे गांव में। ऐसे उलमा उठाए जा रहे मेरे भाइयों, गरीबत समझो इल्म सीखने को। अल्लाह ताला हम सबको इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। उलमाए दीन जो भी ईमान की हालत में वफात पा रहे हैं, जो भी आदमी ईमान की हालत में वफात पा रहा है, अल्लाह उनकी मगफिरत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम इन्नहु तआला जवादुल करीम।